हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यूरा शेंडगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले सेल्फ लॉकिंग नट, ये जो सेल्फ लॉकिंग नट है इसको क्रियो सॉफ्टवेयर में कैसे ड्रॉ करना है। और इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रंट व्यू दिया है और यहाँ पर टॉप व्यू दिया है, उसके डायमेंशन दिए हैं। With the help of these dimensions and these views, we are going to draw this self-locking nut into Creo software. तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्रियो में क्या करना है, न्यू फाइल और ये नेम में आपको टाइप करना है self-locking nut। यहाँ पे जो यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट है इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है ये पार्ट्स एंड सॉलिड के ऊपर है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। फिर MMNS पार्ट सॉलिड को सिलेक्ट करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें डाइवर्ट किया जाएगा पार्ट वर्क बेंच में, जहाँ पे हम उस नट को ड्रॉ करेंगे। और ये है क्रियो सॉफ्टवेयर। भी यहाँ पे हमें देखना है, ये देखो फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। सो टॉप व्यू में जो हेक्सागोनल शेप है ये हम सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्रियो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ये जो टॉप प्लेन है उसको सिलेक्ट करना है और स्केच के ऊपर क्लिक करना है। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें डाइवर्ट किया जाएगा ये स्केचर वर्क बेंच में। यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ पे पैलेट में जाके हेक्सागन जो है ये यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे आपको प्लेस करना है और फिर इस बॉक्स को हमें क्लोज करना है। फिर इसका सेंटर जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर को अलाइन करना है, कोइंसाइड करना है। और उसके बाद हमें कंफर्म करना है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेक्सागोन जो है इसके दो साइड्स जो है एग्जैक्टली हॉरिजेंटल है, एक डाउन साइड एंड अप साइड, ये दो साइड्स हॉरिजेंटल है। तो यहाँ पे सेम है, एक वर्टिकल हॉरिजेंटल है और एक दूसरा भी अप साइड को हॉरिजेंटल है, डाउन साइड को हॉरिजेंटल है। तो इसी टाइप का हेक्सागोन हमें चाहिए। अगर यहाँ पे वर्टिकल जो साइड से वो वर्टिकल होते तो यहाँ से हमें इसे रोटेट करना पड़ता और उसको वर्टिकल करना पड़ता, लेकिन अब क्या है, अब एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा ही रहना दो। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली हमें यहाँ पे डायमेंशंस एडिट करने हैं। तो डायमेंशंस के लिए हमें यहाँ पे देखना है, देखो टॉप एज एंड बॉटम एज के बीच में डायमेंशन है 155। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशंस में जाके ये एज और इस एज को सिलेक्ट करके यहाँ पे माउस मिडल बटन को प्रेस करना है, MMB स्क्रॉल को प्रेस करना है। और उसके बाद हमें ये डायमेंशन चाहिए तो इस डायमेंशंस को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे जो है रिजॉल्व स्केच, इसके अंडर ये डायमेंशन जो है इसको फाइंड आउट करना है आपको। तो ये डायमेंशन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम एक्सेस हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा कि एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना डायमेंशंस है, 155। तो इसलिए हमें यहाँ पे 155 ओके। और इसके बाद यहाँ से सिंपली हमें एग्ज़िट करना है, इतना ही स्केच ड्रॉ करना है हेक्सागन और यहाँ से एग्ज़िट करना है और फिर एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितना एक्सट्रूड होना चाहिए, ये देखो ये हेक्सागन का जो है हाइट यहाँ पे दिया है 65। तो यहाँ पे हमें 65 एंटर करना है, 65 और एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो राइट टिक है यहाँ पर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखो रेडियस दिया है ओके। तो यहाँ पे फिलेट दिए हैं ओके, और राउंड भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे राउंड दिया है तो यहाँ पे राउंड क्रिएट करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो इसका ऐसा प्लेन आपको आइडेंटिफाई करना है जो कॉर्नर से पास हो जाता है। ये जो हेक्सागन है यहाँ पर हॉरिजेंटल है, ये जो लाइन्स है हेक्सागन के एजेस है, इस एजेस के कॉर्नर जहाँ पर दो एजेस इंटरसेक्ट होती है वहाँ से जो प्लेन पास हो जाता है उस प्लेन को सिलेक्ट करना है। तो इस प्लेन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये देखो एज के एग्जैक्टली सेंटर से पास होता है, तो ये प्लेन नहीं चाहिए। दूसरा है बॉटम प्लेन, बॉटम जो प्लेन है ये भी पूरे सरफेस थ्रू जाता है, पूरा सरफेस इसके ऊपर है, तो ये भी प्लेन नहीं सिलेक्ट करना है। ये प्लेन है जो हमें सिलेक्ट करना है, ये देखो ये प्लेन है, ये इस एज और इस एज के जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से पास हो जाता है। तो इस पेज को प्लेन को हमें सिलेक्ट करना है। तो प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली सेंटर लाइन सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक।
सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको थोड़ा जूम करके लेना है, तो ये एज और इस एज को हमें प्रोजेक्ट करना है। सो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करना है। ये दो एज प्रोजेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे ये देखो फिलेट है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे और यहाँ पे ये दो एजेस सिलेक्ट करने, तो यहाँ पे फिलेट आ गए। फिलेट आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट किए थे दो एजेस उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है, सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट। डिलीट करने के बाद ये जो रेडियस है वो कितनी अमाउंट की है ये हमें देखना है। यहाँ पे ये देखो आर 30 का है रेडियस है, तो हमें यहाँ पे रेडियस 30 mm एंटर करना है। 30 mm एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, एक लाइन कमांड लेनी है और ये जो रेड डॉट दिखता है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन इस रेड डॉट तक ड्रॉ करनी है, ताकि ये जो स्पेस है ये हमारा क्लोज स्केच हो जाएगा। तो इसलिए हमें लाइन कमांड में जाना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक और यहाँ से वर्टिकल लाइन इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है। तो ये आप पिंक शेड देख सकते हैं, इसका मतलब है ये हमारा क्लोज स्केच हो गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एग्जिट करना है और सिंपली रियॉल के ऊपर क्लिक करना है। रियॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्सिस को ले रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एक्सिस चाहिए, रिवॉल्विंग एक्सिस ये होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्लिक करना है और इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है, तो रिवॉल्विंग एक्सिस ए हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल रिमूव टैब के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखो चैम्पर क्रिएट हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है और आपको चैम्पर क्रिएट करना है। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर की तरफ चैम्पर है, नीचे की तरफ चैम्पर नहीं है, तो इतना ही चैम्पर हमें ड्रॉ करना है, फिलेट हमें देना है, एक्चुअली फिलेट है, फिलेट हमको यहाँ पे देना है। इसके बाद ये ऊपर का पोर्शन हमें ड्रॉ करना है, वो सिंपली ऊपर का टॉप सरफेस सिलेक्ट करके दो सर्कल, सॉरी एक ही सर्कल ड्रॉ करना है और अंदर जो है वो होल है, थ्रू होल है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो सरफेस है सिलेक्ट करके स्केच के ऊपर क्लिक करना है और स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें सेंटर लाइन लेनी है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, सेंटर लाइन के बाद हमें सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे, और उस सर्कल का जो डायमीटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर सर्कल है उसका डायमीटर है 100, तो 100 डायमीटर हमें यहाँ पे एडिट करना है, 100 एंटर ओके। यहाँ से एग्जिट करना है हमें और फिर इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कितना होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो 50 एक्सट्रूड होना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे 50 टाइप करना है, एंटर करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद एग्जैक्टली सेंटर में हमें होल चाहिए, तो होल के लिए हमें होल कमांड यूज़ करनी है, यहाँ पे होल कमांड है। होल कमांड से सिलेक्ट करने के बाद हमें इस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर होल चाहिए उस सरफेस के ऊपर प्लेस करना है। तो इसलिए ये सरफेस हाईलाइट होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि ये विजुअलाइज हो जाएगा आपको। ये देखो होल, इमेजिनरी होल यहाँ पे प्लेस हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, लेकिन इसका एग्जैक्टली पोजिशन हमें फिक्स करना है। ये जो होल है इसका सेंटर और ये जो सॉलिड है सिलेंड्रिकल इसका सेंटर कोइंसाइड होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके ये जो है इसका एक्सिस को सिलेक्ट करना है आपको। तो ये देखो कोएक्सियल होल क्रिएट हो गए। फिर सिंपली हमें क्या करना है, इसका डायमेंशंस मतलब इसका डायमीटर हमें देखना है। ये देखो 75 डायमीटर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम ये जो है ये थ्रू होल है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है एंड तक जाता है बॉटम तक। तो इसलिए हमें क्या करना है, अप टू नेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 75 एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे अप टू नेक्स्ट डेप्थ जो जो है होल की वो अप टू नेक्स्ट होनी चाहिए। तो ये देखो ये होल क्रिएट हो गया और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ लॉकिंग नट। तो इसी तरह हमें क्या करना है, सेल्फ लॉकिंग नट ड्रॉ करना है क्रियो सॉफ्टवेयर में और ये इस तरह कंप्लीट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।